अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़ामान में रखे। सर्दियों का मौसम है, गुड़ की चाय सर्दियों में इंतहाई मज़ेदार लगती है, तो मैं आपसे आज गुड़ की चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके लिए जो सामान लिया मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब जो है गुड़ लिया है, और इसको मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसको और बारीक भी पीस सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ का लिया है, 2 हरी इलायची ली है, और 1.5 टी स्पून मैंने जो है चीनी का इसका पत्ती का लिया है। अच्छा, इसमें 2 कप दूध जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो सौंफ ली है इसको हमने पानी में डिप करके इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि सौंफ वगैरह में जो है मट्टी होती है नीचे, ताकि वो अच्छे तरीके से धुल के साफ़ हो जाए। मैं आपको बता देती हूँ अभी कि किस तरीके से हमने जो है इसको सौंफ को धो के साफ़ करना है। सौंफ को हमने धोना है इस तरीके से, पहले जो हमने सौंफ में पानी डाला था उसको हम इस तरीके से करेंगे, ऐसा से सौंफ को कि पानी समेत ही आ जाए, और नीचे जो है ये देखें इसमें मट्टी बैठी रह गई है सौंफ हमारी, ये देखें ये बाकी की ऊपर से सौंफ आ गई है हमारी। सौंफ को इस तरीके से आप धो लीजिएगा 2-3 मरतबा। अब जो है हमने ये करना है कि एक छन्नी की मदद से ये सौंफ को जो है हमने छन्नी में ले लेना है इस तरीके से। ये देखिए कुछ मट्टी जो है वो प्याले में ही बैठ गई है, और जो हमने पहली बार धोया था उसमें तमाम मट्टी पानी प्याले में रह गई थी। तो अब ये देखें अब इसका इतना ख़राब पानी नहीं आया है, धो लाजमी लीजिएगा, वरना जो है ऊपर चाय में हमारे किरकिर सी आती है। अब हम सब में पहले जो है 1 कप जो है पानी का लेंगे अपनी देगची में, उसके बाद ये सौंफ हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे, ये जो हमने धो के रख ली थी। 2 अदद इलायची जाएगी इसमें, और ये गुड़ जो हमने 3 टेबल स्पून गुड़ लिया था वो इसमें शामिल करेंगे। तो हमने इसमें जो है इलायची, गुड़ और सौंफ जो है इसका कावा बनने के लिए रख दिया है। जब ये गुड़ जो है हमारा थोड़ा सा घुल जाएगा और इसमें 2-3 बॉल आ जाएंगे, तो इसके बाद फिर हम इसमें पत्ती डालते हैं। तो ये देखिए गुड़ हमारा घुल गया है और कावे में हमारे जोश आना शुरू हो गए। अब मैं इसमें जो मैंने पत्ती ली थी ये शामिल कर दूंगी, तो पत्ती भी हमने इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग 1 से 1.5 मिनट तक जो है पकाएंगे कावे को। और इसमें आपने दालचीनी या लौंग वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी है या अदरक, क्योंकि हमने इसमें जो सौंफ डाली है यही गुड़ के टेस्ट को इन्हेंस करती है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुड़ की चाय बनती है। अभी थोड़ी देर में इसको अच्छा से जोश आ जाए तो फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 मिनट से पकते हो गए, अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो ये देखिए हमारी बेहतरीन किस्म की गुड़ वाली चाय तैयार है। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, ये देखें कितनी शानदार बनी है, खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है इसमें से सौंफ इलायची और गुड़ की, और बहुत ही टेस्टफुल बनती है ये चाय, आप भी ज़रूर बनाएं। चलिए मैं आपको चाय निकाल के कप में दिखाती हूँ। देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी चाय तैयार हो गई है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत शानदार चाय बनी है, आप भी लाजमी बनाएं। और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।